नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएफसी पावर सप्लाई का। हमारा सेशन चालू हो रहा है और पीएफसी पावर सप्लाई को किस तरह हम पहचाने। तो ये जो आप एक एसएमपीएस सर्किट का डायग्राम देख रहे हैं, जो हमें स्टैंड बाई के 5 वोल्ट देता है, क्योंकि हमें सबसे पहले 5 वोल्ट स्टैंड बाई के 5 वोल्ट की आवश्यकता हमें होती है। और ये हम काफ़ी बार कई क्लासों में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें आपको जो 5 वोल्ट मिलते हैं वो हमें 300 या 380 वोल्ट प्राप्त होने के बाद, जैसे ही यहाँ इस चॉपर पर आते हैं, यहाँ NPN एक ट्रांजिस्टर है, PWM पल्स है और साथ में ऑक्सिलरी वाइंडिंग से हमें वोल्टेज मिलते हैं। स्टार्टअप सप्लाई हमें 300 वोल्ट से मिल जाती है। साथ में ये इसका फीडबैक है, जो पिछली क्लास में हमने आपको इस फीडबैक के विषय में TL431 और ऑप्टो कपलर PC817 के विषय में आपको हमने समझाया था। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो आज ये तो हम सब भली भांति जानते हैं कि एक SMPS सप्लाई होती है, PWM काम करती है, MOSFET होता है। अगर MOSFET और PWM जल जाए तो हम मॉड्यूल लगाकर इसको राइट कर सकते हैं और यहाँ 5 वोल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे SMPS पावर सप्लाई की, कि SMPS पावर सप्लाई जो हमारी होती है, जो हमें 380 वोल्ट से ऑपरेट होती है, वो कैसे होती है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। आइए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारा 220 वोल्ट AC इन होगा, वैसे ही हमें यहाँ EMI सर्किट हमें मिलेगा। और EMI सर्किट में हमें एक कंडेंसर मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगी, एक हमें VDR मिलेगा, साथ में हमें एक कॉइल मिलेगी और हमें डायोड का रेक्टिफिकेशन मिलेगा, रेक्टिफाइड डायोड मिलेगा। यानी यहाँ हमने 220 वोल्ट AC लिए थे और यहाँ हमें 220 वोल्ट DC हमें इन रेक्टिफायर के द्वारा, इस कॉइल के द्वारा, शुद्धिकरण के द्वारा हमें यहाँ शुद्ध मिल जाते हैं। अब हमारा PFC स्टार्ट होता है। तो PFC क्या है? PFC का भूत आज आपके दिमाग से निकाल दूंगा, क्योंकि PFC कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने इसको समझ रखा है कि PFC बहुत बड़ा चैप्टर है। तो दोस्तों, PFC के विषय में हम बात करेंगे। पहले हमें EMI सर्किट की जानकारी हो गई और यहाँ हमें 220 वोल्ट हमने चेक कर लिए। आइए देखते हैं आगे। ये है हमारा PFC सिस्टम, जो हमें PFC देता है। अब PFC सर्किट को हम PFC सर्किट आपने देखा पिछली बार के, हमें 220 वोल्ट AC मिले और हमें डायोड के द्वारा 220 वोल्ट DC शुद्ध हमें मिल गए, साथ में हमें माइनस प्लस 220 वोल्ट DC हमें मिले। अब यहीं से हमारा PFC स्टार्ट होता है। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत यही है कि जहाँ पर हमें, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक डायोड लगा मिलेगा। वह डायोड हमें, जो हमारा एक चॉपर होता है जो 5 वोल्ट को बनाता है, उस चॉपर पर जाते हुए मिलेंगे एक डायोड के थ्रू। और एक आपको कॉइल मिलेगी, इस कॉइल को बोलते हैं हम इंडक्टर कॉइल। जैसे ही इंडक्टर कॉइल आपको देखने को मिलेगी, साथ में एक डायोड उसके आगे लगा हुआ और 300 वोल्ट से कनेक्ट हमें ये मिलेगा। यानी हमारा यही PFC सेक्शन है। अब क्या होता है इसमें, यहाँ हमें 220 वोल्ट AC मिलेंगे और यहाँ हमें कंडेंसर लगने के बाद 300 वोल्ट हमें DC मिल जाएंगे। लेकिन 390 कब होंगे? इंडक्टर कॉइल के पहले और डायोड इंडक्टर कॉइल के बाद और डायोड के पहले एनोड पर एक MOSFET लगा, देखा आपने हुआ होगा, उस MOSFET पे PWM IC द्वारा स्विचिंग होती है और हमें बड़े हुए वोल्ट यानी
220 वोल्ट हमने एसी लिए, 220 वोल्ट डीसी हो गया। इसके बाद यहाँ मात्र 80 वोल्ट के लिए पीएफसी बनाया गया है, जो हमें यहाँ 390 डायरेक्ट डीसी वोल्ट हमें प्राप्त हुआ। वो 390 कब होगा? जब ये कंडेंसर लग जाएगा तब। इसके पहले यहाँ कितना हुआ? 220 एसी, 220 हमने यहाँ डीसी कर लिए। इसके बाद जैसे ही ये रेक्टिफिकेशन होता है, यहाँ कॉइल काम करना चालू कर देती है, क्योंकि इधर से जब देखिए मोसफेट का काम जो होता है कि यहाँ एक पीडब्ल्यूएम पल्स गेट पर जाती है, इसके ड्रेन पर यहाँ 220 वोल्ट आते हैं और इसका सोर्स ग्राउंड हो रहा है। जैसे यहाँ स्विचिंग होगी तो यहाँ ये क्या करेगी कॉइल, आपको पता है, ये स्टोर करेगी, और जब ये स्टोर करेगी तो ये डायोड के थ्रू यहाँ हमें 220 की जगह 300 वोल्ट हमें डीसी प्राप्त होंगे, और कंडेंसर लगने के बाद 390 वोल्ट हमें प्राप्त होंगे। अगर ये सर्किट काम नहीं करेगा तो हमें मात्र 300 वोल्ट ही प्राप्त होंगे फिल्टर पर। जैसे ये काम करेगा, ये 80 वोल्ट जैसे ही बढ़ाएगा तो हमें यह 390 वोल्ट मिल जाएंगे, और ये 390 वोल्ट हमें एक दूसरे ट्रांसफार्मर पर जाते हुए मिलेंगे। वहाँ पे हमें 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट जैसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है वैसी हमको मिलेगी। ये पीएफसी का ही पूरा पूरा फंडा है। अब पीएफसी स्टार्ट कैसे होती है देखिए दोस्तों, जैसे ये 5 वोल्ट हमारे यहाँ इसमें मदरबोर्ड में जाते हैं, उस मदरबोर्ड से पीएस ऑन सिग्नल निकलता है। इसको ही समझना बहुत ज़रूरी है। पीएस ऑन सिग्नल हमारे एक ट्रांजिस्टर पर आता है, उसके बेस पर आता है, इसका सोर्स ग्राउंड होता है, और कलेक्टर से हमें एक ऑप्टो कपलर मिलेगा। उस ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 2 पर ये जाता है। पिन नंबर 1 हमारी जो 5 वोल्ट सप्लाई से डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस के थ्रू बनके की रेजिस्टेंस लग के कंप्लीट होती है, और ये यहाँ से ग्लो करने जैसे लगेगा, तो साथ में हमें जो 18 वोल्ट हमारी ऑक्सिलरी बाइंडिंग जो होती है 14 से 18 वोल्ट, वहाँ से एक वोल्ट यहाँ आके रुका मिलेगा। अब जैसे ही मदरबोर्ड हमको स्विचिंग पल्स देगा, ऑप्टो कपलर अपना काम करेगा और इसके गेट को ऑन जैसे इसने किया, तो हमें यहाँ जो हमारी ऑक्सिलरी बाइंडिंग के जो वोल्ट हैं एसएमपीएस पावर ऑन, हमें यहाँ लगभग 15 वोल्ट हमें मिलेंगे। ये 15 वोल्ट हमारे कहाँ कहाँ जाएंगे? हमारे 15 वोल्ट इस पीडब्ल्यूएम आईसी को जाएंगे, और 15 वोल्ट हमारे जो एक बड़ा सर्किट होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने में आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आज हमने पीएफसी के क्या होता है और पीएफसी ऑन कैसे होता है वो आपको समझाने के लिए ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। इसमें आपको एक हम बताएंगे आपको कि ये हमने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि दोस्तों आप जब देखेंगे कि 220 वोल्ट हमने एसी से डीसी किए और उसी के साथ हमें यह एक कंडेंसर लगा मिलता है साधारण पावर सप्लाई में, वो यह कंडेंसर ना होते हुए अगर बगैर कंडेंसर के कोई ट्रांसफार्मर अगर आपको मिलता है तो वो पीएफसी होता है। पीएफसी में एक मॉस्फेट होता है और एक हमें या पीडब्ल्यूएम पल्स मिलती है, आईसी मिलती है, वह इसको इस गेट को लो हाई करती है, और ये मात्र 220 से 80 वोल्ट बढ़ाकर 300 वोल्ट डीसी करता है, और साथ में अब जो कंडेंसर लगेगा उससे हमें 390 वोल्ट डीसी बड़े हुए वोल्ट पीएफसी के लिए हमें यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। और पीएस ऑन का जो काम है वो पीएस ऑन का, जैसे ये 5 वोल्ट हमारे बने, 5 वोल्ट के पहले हमारी पीएफसी ऑन नहीं होगी। सबसे पहले हमें ये 5 वोल्ट बनाना ज़रूरी होता है।
ये 5 वोल्ट जैसे ही मदरबोर्ड में जाएंगे, मदरबोर्ड उधर से पीएस ऑन देगा, उसमें आपको एक ट्रांजिस्टर मिलेगा, उस ट्रांजिस्टर के बाद एक ऑप्टो कपलर मिलेगा, एक ऑप्टो कपलर के बाद फिर एक ट्रांजिस्टर मिलेगा, क्योंकि आपके जो 18 वोल्ट यहाँ कंप्लीट हो गए थे 5 वोल्ट के साथ, हमें जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है वो यहाँ रुके हुए हमें मिलेंगे, और जैसे ही ऑप्टो कपलर ऑन होगा ये काम करेगा, हमें यहाँ 15 वोल्ट रेगुलेटेड हमको यहाँ मिल जाएंगे। साथ में 390 वोल्ट हमें, ये आप देख रहे हैं, ये हमें हमारी जो सेकंड वाइंडिंग होती है उस पर मिल जाएंगे। अब देखिए आगे दोस्तों, पूरा सर्किट हम आपको अभी बताते हैं इसमें कि आप पूरा सर्किट, ये हमारे जो ईएमआई सर्किट हुआ, ये हमारा पीएफसी हुआ, ये पीडब्ल्यूएमआईसी हुई, और ये हमारा 5 वोल्ट का सर्किट हुआ, साथ में हमारा ये पीएस ऑन हुआ, और बड़े हुए वोल्ट हमें 12 और 24 जो भी चाहिए वो हमको मिले। इसके लिए हम एक पूरी क्लास आपको अगले संडे फिर देंगे, तब आपको ये बता पाएंगे कि पीएफसी टोटल वर्क कैसे करता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप ये सीखें, बार बार हमारी वीडियो को देखें, ताकि पीएफसी आपके दिमाग से, पीएफसी का भूत आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।